हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने लेसन स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 जो है एनसीईआरटी के बुक से। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है जो क्वाड्रिलेटरल्स है, जैसे काइट है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये जो और भी है। तो इस तरह के जो क्वाड्रिलेटरल्स है, इन क्वाड्रिलेटरल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस के ऊपर है। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स की डेफिनेशन और इनके प्रॉपर्टीज इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किए हैं और उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी के बुक से। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गिवन अ पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम यहाँ पे हमें दिया है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। तो हमें यहाँ पे जो सब क्वेश्चन दिए है इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय हमें अगर हम डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं तो वो उसके बारे में बताना है, और अगर हम इस पैरेललोग्राम के किसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी क्या है उसको भी इसमें हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। पहले तो देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इस तरह का एक पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड कौन से, जैसे ये ए डी है और ये बी सी है, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए और साथ में ये पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल के लिए मैं इस तरह से एरो का सिंबल शो करता हूँ। ठीक है, फिर दूसरे अपोजिट पेयर कौन सी है, ये जो ए बी साइड है और डी सी साइड है या फिर सी डी साइड है, ये अपोजिट साइड्स हैं, तो दीज आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे मैं दो इस तरह से सेम सिंबल बनाया और ये भी पैरेलल होते हैं, तो इस तरह से मैं यहाँ पे दो एरो देता हूँ, तो दीज टू साइड्स आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, ये हो गई पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स है वो सेम होते हैं। अपोजिट एंगल कौन सी, जैसे एंगल ए और एंगल सी, ये अपोजिट एंगल है, इन दो एंगल का मेजर जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पे मैं इनको सेम सिंबल से शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो और दूसरी पेयर कौन सी रहेंगी, ये एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, ये हो गए अपोजिट एंगल्स इक्वल। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के दो इक्वल पार्ट बना रहा है, और कहाँ पे बनाएगा, अब को जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल कौन सा है, यहाँ पे डायगोनल ए सी है और दूसरा डायगोनल बी डी है। डायगोनल यानी क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट होती है दैट इज द डायगोनल। ओके, तो ए सी और बी डी दिस टू आर डायगोनल। अब ए सी डायगोनल ने बी डी डायगोनल को वो पॉइंट पे कर क्या इंटरसेक्ट किया, यानी ए सी डायगोनल ने बी डी डायगोनल के दो इक्वल पार्ट बनाए, एक पार्ट ओ बी हो गया, दूसरा ओ डी। तो इसको मैं सेम सिंबल से दिखाता हूँ, इस तरह से मैं तीन लाइन ड्रा करूंगा। यहाँ पे तीन लाइन क्यों ड्रा करूंगा, क्योंकि एक लाइन यहाँ पे ली, दो लाइन यहाँ पे ली, तो यहाँ पे मैं थ्री लाइन देता हूँ इस तरह से। ठीक है, या फिर मैं इसी पेन से शो कर देता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। ओके, अब उसी तरह से ये जो बी डी डायगोनल है इसने ए सी डायगोनल को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट वो, यानी बी डी डायगोनल ने ए सी डायगोनल के दो इक्वल पार्ट बनाए। तो इसको मैं इस तरह से अलग एक सिंबल से शो कर देता हूँ, यानी ए बी हो गए सेम, यानी ए ओ इक्वल टू हो गया ओ सी। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो एंगल्स रहते हैं एडजेसेंट एंगल्स वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं यानी एडजेसेंट एंगल की सम 180 डिग्री आती है। जैसे यहाँ पे देखो एंगल डी और एंगल ये एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल डी और एंगल ये सप्लीमेंट्री यानी इनकी एडिशन 180 डिग्री हो गई। एंगल ये और एंगल बी भी एडजेसेंट एंगल है तो उनकी भी एडिशन 180 डिग्री आ जाएंगी। ठीक है, फिर और कौन से, एंगल बी और एंगल सी ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री हो गया है। फिर सी और डी भी एडजेसेंट है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पर हमें क्या करना है,
नंबर वन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है। तो फर्स्ट हमें फाइंड करनी है एडी की वैल्यू, ठीक है। अब एडी क्या है? अब एडी की वैल्यू यहाँ पे हमें किसी का मेजरमेंट तो दिया नहीं, तो एडी इक्वल टू क्या हो सकता है? तो एडी विल बी इक्वल टू बीसी, क्योंकि एडी एंड बीसी आर अपोजिट साइड्स। सो वी विल राइट हियर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? एडी दैट विल बी इक्वल टू बीसी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। फिर सेकंड का आंसर फाइंड करेंगे। सेकंड में हमें एंगल फाइंड करना है डीसीबी, मेजर एंगल डीसीबी क्या हो सकता है वो हमें फाइंड करना है। अब डीसीबी कहाँ है? डीसीबी ये वाला एंगल। अब इसका अपोजिट एंगल ये है, ठीक है। तो सी और ये दोनों का मेजर सेम रहेगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल डीसीबी विल बी इक्वल टू ये एंगल, इसका नाम क्या रहेगा? बी ए डी या फिर डी ए बी, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो इक्वल टू एंगल बी ए डी। थर्ड हमें फाइंड करना है ओ सी। अब ओ सी क्या है? ये है ओ सी, यानी ये डायगोनल का हाफ पार्ट दिया है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी बी डी ने ओ सी के दो इक्वल पार्ट बनाए। एक पार्ट ओ सी हो गया, ए सी के दो इक्वल पार्ट बनाए, एक पार्ट हो गया ओ सी, दूसरा पार्ट हो गया ओ ए। देयरफॉर वी कैन राइट हियर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? ओ सी इज इक्वल टू, ओ सी का मेजर कितना रहेगा? ओ ए के इक्वल टू रहेगा। या और हम क्या लिख सकते हैं? ओ सी, ये जो ओ सी है इसका मेजर ये ए सी के हाफ रहेगा, ठीक है। और वी कैन राइट ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। या तो ये हो सकता है आंसर या फिर ये हो सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर फोर। नंबर फोर में हमें क्या बोला है? फाइंड करना है मेजर एंगल डी ए बी प्लस मेजर एंगल सी डी ए। यहाँ पे हमें एंगल्स का मेजर फाइंड करना है। अब डी ए बी कौन सा है? डी ए बी यानी ये वाला एंगल, सी डी ए, सी डी ए कौन सा है? सी डी ए यानी ये वाला, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल डी, ये दो एंगल का मेजर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब ये दो एंगल कौन से एंगल है? तो ये दोनों एंगल है एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर यू कैन राइट हियर एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी एडिशन 180 डिग्री है ना, ठीक है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर मेजर एंगल डी ए बी प्लस मेजर एंगल सी डी ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हो। गॉट इट। विल सी क्वेश्चन नंबर टू। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम दिए हैं पैरेललोग्राम के, और उनमें हमें जो अननोन एक्स वाई और जेड है उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। अब आप इस डायग्राम को देखो। पैरेललोग्राम ये ए बी सी डी है, इसमें आपको बी का मेजर दिया है 100 डिग्री, और हमें एक्स वाई और जेड का मेजर फाइंड करना है। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसके मेजर्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो एंगल दिया है आपको उससे कौन सा एंगल मिलेगा उसके बारे में सोचो। तो एंगल बी और एंगल डी, ये दो एंगल कौन से एंगल है? ये अपोजिट एंगल्स है, और अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये अगर 100 डिग्री है तो ये भी रहेगा 100 डिग्री। देयरफॉर वी कैन राइट हियर अपोजिट इन, पहले हम लिख लेते हैं इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम
ए बी सी डी इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी मेजर एंगल बी इज इक्वल टू दिया है 100 डिग्री। हमें फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करेंगे डी को, या फिर आप सी को भी पहले फाइंड कर सकते हो। वो कैसे, बी और सी ये दो एडजेसेंट एंगल है ना, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सो वी कैन राइट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ, या फिर आप पहले यहाँ लिखो एंगल बी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी का मेजर 100 डिग्री है, देयरफॉर वी विल राइट हियर 100 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 100 डिग्री को आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर वी विल गेट हियर मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हो गया 80 डिग्री। तो ये जो x है उसकी एंगल मेजर आ गया 80 डिग्री, देयरफॉर वी विल राइट हियर x इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। अब हमें सेकंड फाइंड करनी है, x से कौन सी मिलती है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x से हमें मिलेंगी z की वैल्यू, क्योंकि एंगल c और एंगल ये अपोजिट एंगल्स है। सो विल राइट हियर एंगल c एंड एंगल ये आर अपोजिट एंगल्स, आर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका मेजर सेम होता है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, मेजर एंगल सी विल बी इक्वल टू मेजर एंगल डी, लेकिन मेजर एंगल सी कितना है हमारे पास 80 डिग्री है, देयरफॉर वी विल राइट हियर मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब मेजर एंगल डी की सॉरी सी डी कौन सा, ये मेजर डी नहीं है, ये है सी के अपोजिट ये है, यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा ये मेजर एंगल ये इक्वल टू हो गया 80 डिग्री, ठीक है। अब मेजर एंगल ये कितना है, जेड है, सो विल राइट हियर जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है वाई, अब बी से हमें डी मिल सकता है क्योंकि एंगल बी और एंगल डी भी अपोजिट एंगल है। सो विल राइट हियर सिमिलरली, अब फिर से आपको ये प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं, सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर वी कैन राइट हियर मेजर एंगल डी, जिसको फाइंड करना है पहले उसका मेजर लिख रहा हूँ, ठीक है। मेजर एंगल डी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी, लेकिन मेजर एंगल बी कितना है हमारे पास 100 डिग्री, सो विल राइट हियर 100 डिग्री। अब मेजर एंगल डी यानी क्या है, वाई है, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। और आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर एक्स इक्वल टू 80 डिग्री कॉमा y इक्वल टू 80 डिग्री कॉमा z इक्वल टू 100 डिग्री। तो इस तरह से प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, गॉट इट। नेक्स्ट वी विल से क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ, अब हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है ए बी सी डी, हमें अभी पता नहीं कि वो है या नहीं है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मैं इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से एक मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, हमें पूछा है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं, इस तरह से फाइंड करो, या आपको पैरेललोग्राम शो करना है तो आप इस तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, ये दो निकाल लिए। अब इसको मैंने नाम दे दिया, आपको नाम अल्फाबेटिकली देने हैं, या तो क्लॉकवाइज दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज दो। मैं क्लॉकवाइज नाम दे देता यहाँ पे ए बी सी डी, और इसको हमें लेना है तो इसको इस तरह से आप कोई भी नाम दे सकते हो ए बी सी डी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दो तरह के मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाले, आप इस तरह से निकाल सकते हो या इस तरह से,
अब इसमें सभी वैल्यूज को पुट अप करो। यहाँ पे देखो एंगल पहले इसमें दिया है एंगल बी और डी का मेजर 180 डिग्री, एंगल बी और डी का तो इसमें तो दिखता नहीं है, इस तरह से निकालो। लेकिन इस तरह से अगर निकालो रेक्टेंगल टाइप, क्योंकि रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज है। सो वी कैन से दैट अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, बट अ पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ऐसी है रेक्टेंगल की जो पैरेललोग्राम में नहीं होती, वो है ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल्स। ओके, तो पैरेललोग्राम की डिफिनेशन में ऑल एंगल्स आर राइट 90 डिग्री ऐसा नहीं है। तो अगर हमने इसको मान लिया, ये समझो रेक्टेंगल है, ठीक है, यानी ये पैरेललोग्राम हो गया, तो इसके सभी एंगल्स राइट एंगल हो गए। अब इसमें अगर आप देखो पहली प्रॉपर्टी लागू होती है इस फिगर में, एंगल डी और बी, एंगल डी और बी ये अपोजिट एंगल्स है और अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ 90 इक्वल, ठीक है, तो ये 90 तो ये भी 90 हो गया है, तो रेक्टेंगल में ये लागू होता है, लेकिन इस फिगर में ये नहीं दिखता है, ये राइट एंगल नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ऐसी डायग्राम निकालें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन सेकंड अगर डायग्राम हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें लगता नहीं है, मतलब पैरेललोग्राम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सो वी कैन से दैट फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लिखेंगे जो हमें दिया है एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल डी और बी कौन सा एंगल है, अपोजिट एंगल्स है, सो विल राइट हियर एंगल डी एंड एंगल बी आर अपोजिट एंगल्स, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सो विल राइट हियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इस कंडीशन से ये हो भी सकता है, लेकिन अगर सेकंड हम देखें तो नहीं भी हो सकता। सो वी कैन से दैट कैन बी, विल राइट हियर पैरेलल क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी कैन बी अ पैरेललोग्राम, कैन बी अ पैरेललोग्राम, और वी कैन से दैट नीड नॉट टू बी, और नीड नॉट टू बी मतलब हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब देखते हैं सेकंड में, सेकंड में देखो ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो ए बी कहाँ है, ये हो गई ए बी 8 सेंटीमीटर और डी सी हो गई 8 सेंटीमीटर, फिर ए डी है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। अब इस अगर कंडीशन को देखो तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी सी ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट ए डी नॉट इक्वल टू बी सी है, यानी यहाँ पे जो सेकंड पेयर है अपोजिट साइड्स की वो इक्वल नहीं है। तो इसमें हम सेकंड कंडीशन में कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। सो विल राइट हियर, आप ही कह दिया है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ये जो सेकंड कंडीशन है ए डी और बी सी अपोजिट साइड्स है, सो राइट हियर ए डी एंड बी सी आर अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, विल राइट हियर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इक्वल नहीं दिखते। देखो ये कैसे है, हियर ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, देयरफॉर वी कैन से दैट क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो सेकंड कंडीशन में ये पैरेललोग्राम नहीं है। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन में, इसी डायग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या दिया है हमें, थर्ड में हमें दिया है एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। अब देखो ये एंगल ये है, ये एंगल सी है, ये दोनों एंगल जो है अपोजिट एंगल्स है और अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। अगर हम सेकंड डायग्राम को देखो तो वहाँ पे सेम है, लेकिन इनका जो मेजर है वो अलग है। वी कैन से दैट एंगल ए
एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल्स। और ये जो एंगल्स है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। वी राइट हियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, बट हियर एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी। देयरफॉर वी कैन से दैट क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसका ये रीजन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइंड किया तीनों कंडीशन में कि क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता है। गॉट इट। विल सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में आसान है, आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो आप इस तरह से एक सिंपल रेक्टेंगल का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। और यहाँ पे आप दिखा दो अपोजिट एंगल्स इक्वल, इसको आप एक नाम भी दे सकते हो ए बी सी डी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स यहाँ पे हो गए इक्वल, इस तरह से आप सिंपली एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द मेजर ऑफ टू एडजस्ट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो जब भी एंगल्स रेशियो में दिए उसको एक्स लगा दो। वो कैसे? विल सपोज लेट द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स बी 3x एंड 2x। ये हो गए हमारे दो एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो होता है मतलब एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। सो राइट हियर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये हमें पता है, यानी ये जो दो एडजेसेंट एंगल है इनकी सम 180 डिग्री आनी चाहिए। ओके, हमें बोला है कि हर एक एंगल का मेजर फाइंड करो, तो पहले हमें एक्स की वैल्यू इसके लिए फाइंड करनी पड़ेगी। सो विल राइट हियर देयरफॉर 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 3x प्लस 2x 5x, देयरफॉर 5x इक्वल टू 180 डिग्री। अब 5 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर वी विल गेट हियर x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5। 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, रिमेन 3 0, 5 6 जा 30। सो विल गेट हियर 36 डिग्री। तो ये आगे x की वैल्यू। अब हम इससे फाइंड करेंगे 3x की वैल्यू और 2x की वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर वी विल गेट हियर 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे। 3 6 जा 18 जा 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, तो 108 डिग्री। अब उसी तरह से हम 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 डिग्री, दैट इज इक्वल टू आ गया 72 डिग्री। तो हमें यहाँ पे ये दो एंगल मिल गए। अब इन दो एंगल की जो अपोजिट एंगल्स है वो भी सेम रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे अगर डायग्राम निकले पैरेललोग्राम की, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। अगर ये एंगल है मान लो 108 डिग्री और ये है 36 डिग्री, ये 36 का अपोजिट ये भी 36 रहेगा, सॉरी 72 है ना, तो 72 का अपोजिट ये भी 72 रहेगा और 108 का अपोजिट ये भी 108 रहेगा। तो हमें चारों एंगल यहाँ पे मिल जाएंगे। सो वी विल राइट हियर फर्स्ट, क्या लिखेंगे हम, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर वी विल राइट हियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे 108 डिग्री के अपोजिट एंगल का मेजर भी 108 डिग्री रहेगा। देयरफॉर मेजर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ 108 डिग्री इक्वल टू 108 डिग्री। Similarly, we can write here, similarly, measure of
अपोजिट एंगल ऑफ, कौन सा दूसरा एंगल है, 72 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ 72 डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री। अब हमें इस चारों एंगल्स के मेजर मिल गए, देयरफॉर वी कैन राइट हियर, देयरफॉर मेजर्स ऑफ गिवन पैरेललोग्राम, देयरफॉर मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ गिवन पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ गिवन पैरेललोग्राम आर, पहला एंगल हमारे पास आया 108 डिग्री कॉमा, दूसरा एंगल आया 72 डिग्री कॉमा, थर्ड एंगल आया 100 डिग्री एंड फोर्थ एंगल आया 72 डिग्री। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट?